हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें अलाउद्दीन खिलजी का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का है। देखा जाए तो उसको एक तरह से इकोनॉमिस्ट भी बोला गया है मेडिवल हिस्ट्री का। तो उसके रिफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और एक ये एक ऐसा बंदा था जो कभी भी किसी भी तरह से इसने डिफीट जो थी वो कभी फेस नहीं की थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका इसके साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर होगा एंड आई होप यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो खिलजी डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटी डायनेस्टी थी जिसने थोड़े टाइम ही रूल किया। देखा जाए तो सिर्फ 30 ईयर्स तक इसने रूल किया है, ठीक है। वही अगर हम लॉन्गेस्ट डायनेस्टी की बात करें तो इसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी आएगी वो लॉन्गेस्ट उसका जो टाइम पीरियड था वो रहा था, ठीक है। तो बेसिकली जो इससे पहले की जो डायनेस्टी थी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी, तो उसको उसका जो लास्ट रूलर था दैट इज कैकुबाद। तो कैकुबाद को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको पैरालिसिस हो गया था, देन उसके बाद उसके दो बेटे थे कैमूर्स। तो ये बेसिकली जो जलालुद्दीन था, इसका नाम फिरोज खान था, तो इसने वो कैकुबाद जो था जिसको कि पैरालिसिस हो चुका था, उसको इसने यमुना में फेंकाया ये जाके, और इसके बेटे को इसने जो था वो मार दिया था। और उसके बाद इसने खिलजी डायनेस्टी जो थी वो एस्टेब्लिश की थी, राइट। देन उसके बाद खिलजी जनरेशन्स जो थी उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की जगह ले ली थी, और ये रूल इनका जो था वो चला 1290 एडी से लेके 1320 एडी तक। और इसका जो सबसे फेमस किंग रहा है वो रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज, जिसने कि खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डॉक्टर त्रिपाठी ने वर्ड यूज़ किया है खिलजी रेवोल्यूशन। खिलजी रेवोल्यूशन जो था बेसिकली इसको इसके चलते रेवोल्यूशन एक तरह का इसके चलते था, बिकॉज इसने एक सदी से जो लंबे अरसे से एक रूल, तुर्किश रूल जो था वो चल रहा था, उसको ख़त्म करके इन्होंने जो था वो खिलजीज का रूल जो था वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। एंड मोर ओवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खिलजी डायनेस्टी दो रेवोल्यूशंस जो थी वो एक तरह से हुई थी। एक तो ये कि इतना लंबा, मतलब 100 सालों का एक रूल जो था वो चला आ रहा था, और तुर्किश रूल को ख़त्म करने के बाद इन्होंने खिलजी डायनेस्टी जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी कैकुबाद को मारने के बाद। एंड दूसरी रेवोल्यूशन यहाँ पे आएगी जब जो अलाउद्दीन खिलजी होगा वो अपने चाचा को, यानी कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज है, जलालुद्दीन खिलजी है, इसको मारेगा, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ही इसको बहुत ही नरम दिल, हम कह सकते हैं कोमल हृदय का इंसान जो था वो माना गया था, और लोग इसको बहुत पसंद करते थे। बिकॉज इवन इसके टाइम के दौरान कुछ जो मंगोल्स थे उन्होंने भी अटैक किया था इंडिया के ऊपर, और काफ़ी 20-30 हज़ार मंगोल्स जो थे उनको कैप्चर भी कर लिया गया था। और इसने उनको बोला कि आप इस्लाम कबूल कर लो, मैं आपको छोड़ दूंगा। एंड इवन उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद छोड़ भी दिया था उनको, ठीक है। और उनको न्यू मुसलमान या वाइट मुसलमान कहा जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ही नरम हृदय का बंदा था जो जलालुद्दीन फिरोज था, कहा जाता है, चाहे कि इसने कैकुबाद को मारा था या कैमूर्स को मारा भी था तब भी, ठीक है। इसके बारे में बोला जाता है कि इसने कभी किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहा था। तो इसके चलते जब इसको मारा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके चलते लोग जो थे उसके काफ़ी अगेंस्ट हो चुके थे। तो वो भी एक तरह का रेवोल्यूशन का ही टाइम था, राइट। बट इस खिलजी रेवोल्यूशन का जो हीरो माना जाता है वो जलालुद्दीन फिरोज को ही माना जाता है, बिकॉज इसने एक सदी चलते हुए राज्य, तुर्किश राज्य को समाप्त किया था। देन उसके बाद द किंगडम ऑफ दिल्ली वॉज गिवन टू कैकुबाद, ठीक है। जब कैकुबाद को इन प्लेस ऑफ नॉमिनेटेड, जो कैकुसरो था, कैकुसरो की जगह कैकुबाद को जो था नॉमिनेट किया गया था। जब स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें, जब बलबन की डेथ हो गई थी, गैसुद्दीन बलबन की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद, लेकिन जो कैकुबाद था ये बड़ा ही, मतलब स्पेंडथ्रिफ्ट बंदा था, एक्स्ट्रावेगेंट बंदा था, बड़ा खर्चालू बंदा था, और ये मतलब बड़ा ही लैविश लाइफस्टाइल में रहना चाहता था, और बड़ा ही मतलब सुस्त था, मैनिक था एक तरह का, ठीक है। तो इतना ये ध्यान नहीं था इसका किंगडम की तरफ। तो इसके चलते एक बहुत ही एम्बिशियस मिनिस्टर हुआ है निज़ामुद्दीन। तो निज़ामुद्दीन ने क्या किया, निज़ामुद्दीन ने
किंगडम को की जो मतलब होती है कह लो बागडोर होती है वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो जो कैकुसरो था, जो नॉमिनेटेड था, उसको इसने मार दिया, जो निजामुद्दीन था। ठीक है, और जितने भी सरदार इसके रास्ते में आए, तो जो निजामुद्दीन था, जो मिनिस्टर था, उसने उन सबको मार गिराया। ठीक है, द कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ निजामुद्दीन कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड किल्ड हिम। ठीक है, तो इसको भी एंड में मार दिया गया था निजामुद्दीन को, क्योंकि इसकी पावर जो थी एक तरह से राइज हो रही थी। तो जलालुद्दीन खिलजी को था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मैंने कही था कि किसी तरीके से हटाना है। तो जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का कैकुबाद, जो कि पैरालाइज हो गया था, जिसको पैरालाइसिस हो गया था, तो इसको इसने जलालुद्दीन फिरोज ने जमुना रिवर में फेंक दिया और अपना जो किंगडम था वो इस्टेब्लिश किया। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं पॉलिसी एंड वर्क ऑफ जलालुद्दीन। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो तो आगे समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आगे जाके लिंक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही है। जैसे कि ये मंगोल्स आए थे, इसके टाइम पे क्या था, उसके टाइम पे क्या था, राइट? तो सबसे पहले इसको एक क्लेमेंसी किंग बोला गया है, कि बहुत ही ये नरम हृदय का बंदा था, कि इसने कभी किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। और इवन जो डाकू वगैरह भी इसके शासन के अंडर जो भी पकड़े गए थे, उनको भी इसने जो था वो माफ कर दिया था। देन उसके बाद रिवोल्ट ऑफ मलिक छज्जू। मलिक छज्जू जो था ये एक बंदा था किश्नू खान, जिसको इस नाम से जाना जाता था, मलिक छज्जू से। ठीक है, एंड हु हैड ज्वाइंट द स्टेट ऑफ कड़ा, ज्वाइंट हैंड्स विद गवर्नर ऑफ अवध। ठीक है, ये जो कड़ा और अवध की जो पोजीशंस थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो अवध तो आपको पता ही, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया था। ठीक है, कड़ा भी यूपी के आसपास ही है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी, फर्टाइल जगह थी, और बहुत ही इनके जो मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इन लोगों ने जो ये जो मलिक छज्जू था, इसने जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट जो था वो रिवोल्ट किया। तो इसके उसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने अपने बेटे को अश्कली खान को भेजा। ठीक है, उस रिवोल्ट का सामना करने के लिए। द रिबेल्स वर डिफीटेड बैडली नियर बदायूं। मलिक छज्जू वॉज कॉट एंड ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, बट काइंड फिरोज, फिर इसके बाद फिरोज ने इसको भी माफ कर दिया था। ठीक है, एंड सेंट हिम टू मुल्तान आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर हिज लाइवलीहुड। मतलब इतना ज्यादा ये मतलब वो नरम हृदय का बंदा जो है वो इसको बताया गया। देन उसके बाद एटीट्यूड टुवर्ड्स डकैत्स एंड थीव्स, वही कि आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, और बहुत ही ज्यादा जो डाकू वगैरह थे उनको बड़ा मौका मिला लूटपाट करने का। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो डाकू वगैरह थे उनको कैप्चर भी किया गया। और उसके बाद जो जलालुद्दीन था, इसने अपने कुछ बंदे जो थे बंगाल भी भेजे, ताकि वहाँ पे जो ऐसे जो डाकू वगैरह हैं उनसे उस जगह को जो है वो फ्री कराया जा सके। देन उसके बाद जो मतलब बहुत ही अमीर लोग होते थे या जो सरदार होते थे, उनको ये चीज़ें जो थी वो अच्छी नहीं लगी, और वो चाहता था वो लोग चाहते थे कि ये जो जलालुद्दीन है इसको कहीं किसी तरीके से एम्परशिप से जो है वो डिपोज कर दिया जाए। तो व्हेन द एम्परर केम टू नो, देन ही कॉल द रिच रिबेल्स, कॉल्ड इट देम एंड रिलीज देम अगेन। मतलब जब इसको पता चला कि वो बंदे मतलब मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, फिर भी इसने क्या किया, इसने उनको कैप्चर किया, उनको पकड़ा, इनको बुलाया अपने यहाँ से, और वहां पे बुला के फिर दोबारा से उसको एक मतलब माइल्ड सी वार्निंग दे के उनको छोड़ दिया। देन उसके बाद ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एक्शन अगेंस्ट सिद्धि मौला। ठीक है, तो सिद्धि मौला जो था ये एक तरह का सूफी सेंट बंदा था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, कि इसने सिद्धि मौला को मरवाया था। हालांकि कहीं पे भी आपको हिस्ट्री पे ऐसे जो इंसिडेंट है वो नहीं मिलेगा, जहाँ पे एक सुल्तान या एक किंग ने या किसी मुगल एम्परर ने किसी सूफी सेंट को मरवाया हो, लेकिन ये इसके बारे में ये चीज़ जो है वो काफ़ी फेमस है। तो ये मतलब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉबर्स और डेकॉइट्स के तो बहुत ही ज़्यादा ये काइंड हार्टेड, इसने अपना काइंड हार्ट शो किया, लेकिन सिद्धि मौला के अगेंस्ट इसका बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल था। इट इज़ सेड दैट सम सरदार्स कंस्पायर्ड टू डीथ्रोन फिरोज एंड डिक्लेयर्ड सिद्धि मौला एज द खलीफा। ठीक है, तो कुछ जो सरदार थे जो कि इसके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि ये मतलब जो डाकू वगैरह थे उनको पकड़े जा रहा था, उनको रिलीज कर दिया जा रहा था, तो कुछ रिच जो बंदे थे, क्योंकि उनका सामान लूटपाटता था, तो उनको था कि ये उनको छोड़ता क्यों है, कि कोई पनिशमेंट क्यों नहीं देता। तो उन्होंने कह दिया कि जो हमारा खलीफा होगा वो सिद्धि मौला होगा। तो ये फिरोज जो था ये वो चीज़ नहीं चाहता था, तो इसने काफ़ी वो स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की, इसको पता चला। तो देन इसके बाद इसने अपने बेटे अश्कली खान को भेजा और सिद्धि मौला खान को मरवा दिया, सिद्धि मौला को। देन उसके बाद आता है वार अगेंस्ट रणथंबोर।
यहाँ पे भी इसने बाद में रणथंभौर में काफी आर्मी जो थी अपनी बड़ी भेजी, बट इसने उसके बाद इसको लगा कि यहाँ पे अगर मैं आर्मी भेजूंगा तो बहुत ही खून खराबा होगा, तो इसने फिर देखा कि इसमें कुछ फायदा तो मेरा होने वाला है नहीं, तो इसने बोला कि सोल्जर्स को कि वापस आ जाओ, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। देन उसके बाद कॉन्केस्ट ऑफ भीलसा, भीलसा जो है आजकल विदिशा जिसको बोलते हैं, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी जलालुद्दीन खिलजी ने अपने नेफ्यू और दामाद, जो नेफ्यू भी था दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको भेजा यहाँ पे। एंड अलाउद्दीन वॉज अ ब्रेव फाइटर सो ही इजिली वन भीलसा। देन उसके बाद डिफीट ऑफ मंगोल्स एंड न्यू मुस्लिम्स, ये मैं वही बात कर रही हूँ कि जो काफ़ी मंगोल्स थे उन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल्ला, ठीक है। तो जलालुद्दीन ने अपनी आर्मी भेजी, उनको हराया मंगोल्स को, फिर इसने बोला, तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको वार्निंग भी दी थी जलालुद्दीन खिलजी को कि चाचा जान आप इनको जो है वो शरण दे रहे हो, ये बंदे सही नहीं है, बाद में हमारे लिए ये खतरा पैदा होंगे, और ये हुए भी थे। लेकिन इसने बोला कि नहीं, और फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी के हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसने ये भी बोला था कि मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कहूँगा कि तुम लोग जो है वो इस्लाम कबूल करो, लेकिन उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि हम यहाँ पे रहेंगे, हम इस्लाम कबूल करेंगे। तो फिर उनको जो था वो न्यू मुस्लिम और वाइट मुस्लिम का खिताब जो था वो दिया गया था कि ये नए मुसलमान हैं। देन उसके बाद आता है इन्वेजन ऑफ देवगिरी। देवगिरी जो थी वो काफ़ी एक हम कह सकते हैं रहीस एरिया था, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी वहाँ पे, तो इस चीज़ का पता अलाउद्दीन खिलजी को भी था। देन उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को जब पता चला कि वहाँ पे जो किंगडम्स हैं साउथ में वहाँ पे बहुत ही पैसा है, तो देन उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी जब उसने एमपी पे अटैक किया था भीलसा में, जब उसको ये पता चला कि साउथ में काफ़ी वेल्थ है, तो उसने भी देवगिरी के ऊपर अटैक करना चाहा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि देवगिरी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बार अटैक किया है थ्रू आउट हिज होल रूल, ठीक है। सो द अलाउद्दीन अटैक्ड ऑन देवगिरी आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ एम्परर इन 1296 AD। रामचंद्र हु वॉज द किंग ऑफ देवगिरी ब्रॉट ब्रेव सॉरी फॉर्ट ब्रेवली, ठीक है। तो रामचंद्र तब देवगिरी का किंग था, और लेकिन ये जो था इसकी हार हो गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये टिक नहीं पाया था। देन उसके बाद यहाँ से जो वेल्थ इकट्ठी की थी इसने, ये दोबारा लेके ये कड़ा पहुँच गया था, ठीक है। और इस डिफीट के बाद मतलब सॉरी इस विन के बाद अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी नाम काफ़ी फेम, क्योंकि इसने भीलसा को भी जीता, उसके बाद इसने कड़ा को भी जीता, ठीक है। तो ये सारी वेल्थ इकट्ठी करके जो था ये वापस कड़ा में चला गया। देन उसके बाद अब भीलसा को ये जीत चुका है, अवध को ये जीत चुका है, कड़ा को ये जीत चुका है, अब इसको हो गया कि मतलब मुझे एम्परशिप भी ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट जो थी, यानी कि अपने चाचा के अगेंस्ट जो थी, वो इसने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी थी। देन उसके बाद इसने बोला कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, जब उसने सुना कि ये बहुत सारा धन वगैरह इकट्ठा करके लाया है, तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको जाके इसके साथ सेलिब्रेट करता हूँ इसकी जीत, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बुलाया था और ये चल पड़ा। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी को काफ़ी जो इसके नॉबल्स थे, ठीक है, जो इसके बहुत ही इसको प्यार करते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, वो उसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो आप मत जाओ, वो आपको मार देगा। तो वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज वो मेरा भतीजा भी है। लेकिन ये चला गया, तो जैसे ही गया, ठीक है, तो यमुना के रास्ते ये जाता हुआ जाता हुआ, जब ये कड़ा पहुंचा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता था कि इसको जो था वो थोड़ा सा रिवर क्रॉस करके जाना था वहाँ उसके पास, जहाँ पे उसने अपना जो मतलब कह सकते हैं स्टे बना रखा था कड़ा पे। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपनी आर्मी जो थी ये खड़ी कर गया, और ये अकेला ही क्रॉस करके वहाँ पे उसके पास पहुँच गया। तो जैसे ही ये उसके पास पहुँचा अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लोगों से कह के उसको जो था वो खंजर के वास से उसको मरवा दिया, ठीक है। तो लेनफुल राइट जो था वो जो है हिस्टोरियन है ये लिखते हैं, दिस इज द बेसिस्ट मर्डर इंसिडेंट इन द हिस्ट्री, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा नेक दिल बंदा था, ठीक है, और इतना लोग उसको प्यार भी करते थे, पसंद भी करते थे, और ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, ठीक है। इसी के चलते वो अकेला ही बेचारा चल पड़ा उसको कंग्रेचुलेशन देने के लिए, तो उसके चलते जो था उसने उसको मरवा दिया। तो ये कहते हैं कि ये सबसे घिनौनी हरकत है, घिनौना मर्डर है पूरी अगर हम हिस्ट्री की बात करें। देन उसके बाद 2 रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को मारा था, और एक सदी की जो चलता आ रहा तुर्किश रूल था उसको खत्म किया, और दूसरा
अलाउद्दीन खिलजी ने जब जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, तो इसके चलते जब इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारा तो बहुत सारे लोग जो थे इससे नफरत करने लग गए थे, ठीक है। और इवन जो मतलब जुलाली नोबल्स थे जो वो भी इसके अगेंस्ट हो गए, सरदार भी इसके अगेंस्ट हो गए। तो इसने, ये भी बड़ा चालाक था अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया, इसने जितनी भी वेल्थ इकट्ठी की थी इसने सारी उनसे मंगवाई, सॉरी सारी उन जो नॉबल्स थे, जलाली नॉबल्स थे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो मतलब जो भी उसके फेवर में थे, ठीक है, जो प्रो जुलाली थे कह सकते हो आप, और उनको उसमें सारी उनमें से जो थी वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि इसको पता था जैसे ही मैं कड़ा से निकला तो लोग जो है मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। अब वही लोग जो इनके इसके ऊपर अटैक करने वाले थे वो इसकी फेवर में आ गए। तो जैसे ही ये दिल्ली में पहुंचा तो इसने जो था इसने सारी अपनी वो जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट की थी इसने बोला कि लाओ ये तो किंगडम की है, तो इसने वापस भी ले ली थी बाद में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ फिरोज खिलजी, वॉज वेरी ब्रेव एंड सेंसिबल मैन। जलालुद्दीन सेलेक्टेड हिम एज गवर्नर ऑफ कच्छ इन 1292 AD। ही अटैक्ड ऑन भीलसा एंड कैप्चर्ड, ही कंकर्ड अवध ऑल्सो। अलाउद्दीन डिड नॉट फील सेटिस्फाइड विद कड़ा एंड भीलसा, ठीक है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट जगह जो थी इन्होंने, इसने जीती भी थी, फिर भी इसके बाद इसको था कि मैं मुझे पूरा किंगडम जो है वो चाहिए। देन उसके बाद इन 1296 ही अटैक देवगिरी एंड लूटेड बनी फ्रॉम देयर व्हेन ही रीच्ड कड़ा। ये सारी वही कहानी लिखी हुई जो मैं आपको सुना चुकी हैं, ठीक है, सुना चुकी हूँ। देन उसके बाद आता है कि अब अलाउद्दीन खिलजी, जब इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारा तो वहाँ पे जो जलालुद्दीन खिलजी की फैमिली थी दिल्ली में, यानी कि जो मलिका जहान थी, जो जलालुद्दीन खिलजी की विडो थी, और उसने क्या किया, उसने अपना बेटा जो था कादर खान रुकनुद्दीन, जिसको इब्राहिम भी बोला जाता है, ठीक है, उसको थ्रोन पे बिठा दिया। एंड ऑल्सो कॉल्ड हर एल्डर सन अकाली खान फ्रॉम मुल्तान, और अपने बड़े बेटे को भी बुला लिया वहाँ से। देन उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की ओर चल पड़ा तो उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बताई कि अपने सारे वो धन वगैरह इसने सरदारों के बीच में बांटना शुरू कर दिया, सोल्जर्स के बीच में बांटना शुरू कर दिया, तो सभी उसके साइड की तरफ जब आ गए, और इस चीज़ का पता जब इब्राहिम को यानी कि रुकनुद्दीन को पता चला कि अलाउद्दीन जो है वो काफ़ी बिग आर्मी के साथ मेरी तरफ आ रहा है, तो वो अपनी मदर के साथ वहां से भाग निकला, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो लाइटली नहीं लिया, उसने क्या किया, उसने उलुग खान को मुल्तान पे भेजा कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पता करके आओ कि उसकी फैमिली कहाँ पे है। देन उसके बाद जो इसके दोनों बेटे थे जलालुद्दीन खिलजी के, इब्राहिम और अराकली, उनकी आंखें जो थी वो ले ली गई थी, और मलिका जहान जो थी उसको जेल में बंद कर दिया गया था। जितने भी यहाँ पे बातें होती है मुगल हिस्ट्री में या सल्तनत में कि आंखें निकाल दी जाती हैं ताकि वो, क्योंकि इसमें एक रूल होता था कि जिस जो बंदा ब्लाइंड है वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है, तो ये चीज जो थी इसने की। अब इसके बाद इसका कोई भी ऑपोजिशन में नहीं बचा था, तो ही किल्ड मैनी सरदार। उसके बाद कुछ सरदार जो इसके अगेंस्ट थे उनको भी इसने विद द हेल्प ऑफ नसारत खान, ठीक है, इसने काफी सरदारों को मरवाया। बाय दिस ही बिकेम एन अनडिस्प्यूटेड एम्परर ऑफ दिल्ली। और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद इसके बारे में कहते हैं, इस किंगडम इज द साइन ऑफ हाईएस्ट बाउंड्री ऑफ मुस्लिम ऑटोक्रेसी। अब यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इसका ही राज चलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मंगोल्स की के इसके, और एक चीज और आपको याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मैक्सिमम अटैक्स जो थे वो मंगोल्स ने किए थे, राइट। और इसने सारे ही जितने भी अटैक हुए हैं इसने बहुत ही ब्रेवली उनको फेस किया है और उनको डिफीट किया है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कादर्स इन्वेजन। इन 1297-98 AD द मंगोल रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया देव सेंट एन आर्मी ऑफ 1 लाख सोल्जर्स टू अटैक इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ कादर, ठीक है। तो जो मंगोल्स थे ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न साइड से एंटर हुए थे इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से एंटर हुए थे यहाँ से, और ये पंजाब के रास्ते से मतलब एंटर हुए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो थी आर्मी भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ उलग खान एंड जाफर खान। और जाफर खान जो था, जाफर खान की वजह से इसने बहुत सारी फाइट्स जो हैं वो जीती हैं, बहुत सारी, क्या ऑलमोस्ट सारी ही फाइट्स इसने जाफर खान की वजह से जीती है, मतलब इतना इसका ब्रेव ये जनरल जनरल था। और इसके बारे में एक चीज़ बहुत ही रिनाउंड है कि जब एनिमीज के घोड़े जो थे वो पानी पीना छोड़ देते थे तो माना जाता था कि उन्होंने जाफर खान के दर्शन कर लिए, इसके चलते मतलब इतना डर, इतना खौफ था इसका। तो इवन इसके इसके अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक बार सोच लिया था कि मैं इसको पॉइजन दे के ख़त्म कर दूंगा, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए इसने बाद में उस आइडिया को जो था वो ड्रॉप कर दिया कि नहीं, ठीक
इसको नहीं मारूंगा। ठीक है, तो जलंधर जो है पंजाब में ये एक एरिया है, सिटी है, वहां पे जो था इन्होंने मंगोल्स को डिफीट किया। अप्रोक्सीमेटली 20,000 मंगोल्स जो थे इनको मारा गया था। शॉर्टली आफ्टर बींग एनथ्रोन दिस सक्सेस ऑफ अलाउद्दीन इंक्रीज रिस्पेक्ट टू हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसके बाद आता है सालदी। सालदी जो है ये भी मंगोल्स की तरफ से ही इन्होंने अटैक किया था। देन अगेन जाफर खान अपनी आर्मी के साथ इसको हराया। अराउंड 2,000 मंगोल्स थे। ठीक है, द ग्लोरियस सक्सेस ऑफ जाफर इंक्रीज हिज रेपुटेशन एज सोल्जर। तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई है कि सरदार भी उससे जेलस करते थे। इवन अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको जहर देने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल कंडीशंस वो ऐसा उसने नहीं किया। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कुतलक ख्वाजा। ये भी अगेन मंगोल्स का ही अटैक था। और ये जो सबसे पहला अटैक हुआ था, देव ने जो अटैक किया था, ये उसका बेटा था कुतलक ख्वाजा, और इसने 2 लाख सोल्जर्स, ठीक है, 2 लाख सोल्जर्स जो था ये लेके आया था। एंड इसके बाद जो इसकी बात हो रही है मलिक अल्लाह उल मुल्क, तो मलिक अल्लाह उल मुल्क या काजी अल्लाह उल मुल्क जो था ये इसका फ्रेंड भी था अलाउद्दीन खिलजी का, और बहुत ही अच्छा, और इसका एडवाइज़र भी था, और एक यही एक बंदा था जिसकी बात कभी भी अलाउद्दीन खिलजी ने टाली नहीं थी। ठीक है, तो इसने उसको एडवाइस किया था अलाउद्दीन खिलजी को कि तुम भाई इन ये बहुत ही बड़ी आर्मी है, तो तुम इसके सामने जो है वो मत, मतलब तुम टिक नहीं पाओगे तो मत लड़ो। लेकिन अलाउद्दीन ने बोल दिया था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर मैं उनको नहीं अपोज करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये मतलब मेरे एक तरह सा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मैं उनसे डर गया हूँ, तो ये ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उसने जाफर खान की हेल्प से, उलग खान की हेल्प से, नसारत खान की हेल्प से मंगोल्स को फेस किया, उनको डिफीट भी किया। लेकिन इसी फाइट के दौरान जाफर खान जो था वो मारा गया था। ठीक है, ये चीज है। देन उसके बाद तर्गी इन्वेजन। तर्गी इन्वेजन 1303 में, ये भी मंगोल था, ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों के साथ आया था, बट अगेन ये भी जो था अलाउद्दीन खिलजी के सामने नहीं टिक पाया था। ठीक है, और नौ इसके बाद अब जो है बेसिकली जब तर्गी की इन्वेजन होगी, देन इसके बाद इसने जो जैसे अशोका ने किया था ना अपने रूल के टाइम पे कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड को जो है वो स्ट्रांग कर लिया था, तो यही चीज़ जो है वो अलाउद्दीन खिलजी भी करेगा। तो बेसिकली अशोका के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अकबर, ठीक है, ये तीन बंदे, और तीनों का ही नाम ए से है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना कि तीनों ने ही नॉर्थ वेस्टियर अपना जो फ्रंटियर था वो बनाया था प्रॉपरली, उनको गार्ड किया, स्ट्रॉन्ग किया, कि जितने भी अटैक होते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ही होते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर इसने फोकस किया। उसके बाद जितने भी पुराने किले थे, ठीक है, उनको इसने दोबारा से रेनोवेट करवाया, और जहाँ पे इसको लगता था कि यहाँ पे खतरा हो सकता है वहाँ पे इसने जो थे वो किले बनवाए। देन उसके बाद इसने आर्मी में और भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो थी वो करनी शुरू कर दी। देन उसके बाद जब ये तर्गी जो था, ठीक है, इसने अटैक किया, तर्गी था इसका नाम, तो इसके बाद ये अपनी इंसल्ट फील की इसने, तो इसने इस चीज़ का रेवेंज लेने के लिए ये अली बेग के साथ ये दोबारा से आया 1305 AD में, और यहाँ पे इसने 30,000 से 40,000 सोल्जर्स जो थे वो लेके आए, और अगेन दे वर डिफीटेड इन अमरोह। ठीक है, यूपी में एक जगह है, यहाँ पे जो था ये फाइट हुई, तो अगेन मंगोल्स जो थे वो हार गए थे। और यहाँ पे जब इसने जो अपना अलाउद्दीन खिलजी था, इसने एक न्यू सिटी इस्टेब्लिश की थी, सीरी सिटी, तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब जितने भी ये मंगोल्स थे इनके सिरों को काट के जो था वो फोर्ट बनवाया गया था। ठीक है, मतलब वहाँ पे इनके सिर जो थे वो यूज़ किए गए थे, इसी की वजह से इसको सीरी सिटी भी बोला जाता है। देन उसके बाद आता है इन्वेजन ऑफ क्यूबक एंड इकब्लामंद। ठीक है, तो इनके नाम बड़े डिफिकल्ट हैं। तो ये क्यूबक और इकब्लामंद जो थे ये भी अगेन जो थेव खान था उसने ही इनको भेजा था, और अगेन इन्होंने जो था वो अटैक किया इंडिया के ऊपर। और यहाँ पे जो था गाजी मलिक तुगलक, ये जो गाजी मलिक है ये गयासुद्दीन तुगलक, अब जब तुगलक डायनेस्टी आएगी जो ये इस्टेब्लिश करेगा गाजी मलिक, इसका नाम आप याद रख लेना, गयासुद्दीन तुगलक का जो नाम था ये गाजी मलिक था, तो इसने जो था ये मंगोल्स को यहाँ पे डिफीट किया था। ठीक है, और उसके बाद कुबक जो था उसको पकड़ लिया गया था, और जो ये दूसरा बंदा था इकबालमंद ये भाग गया था वहां से। तो यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 हजार मंगोल्स जो थे, 50-60 हजार मंगोल में से सिर्फ 3 से 4 हजार मंगोल्स जो थे वो रह गए थे। ठीक है, और इसमें जो इनकी वाइफ वगैरह थी या जो इनके बच्चे थे उनको पकड़ लिया गया था, कईयों को तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हरम में रख लिया था, जो औरतें थी बेचारी, और बच्चे जो थे उनको बेच दिया गया था, ठीक है, एज अ स्लेव।
उसके बाद बाय दिस अलाउद्दीन खिलजी फिनिश द एंगर फ्रॉम मंगोल्स हिज रिफॉर्मिस्ट सॉल्यूशंस, जैसे कि उसने अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बना लिया था और उसने अपने किले नए करवा लिए थे, आर्मी ले ली थी और रिक्रूट कर ली थी, तो ये सारी चीज़ों के चलते उसने जो था ये मंगोल्स का जो टेरर था वो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। एंड नॉट ओनली द अटैक्स ऑफ मंगोल्स वर स्टॉप्ड, गाजी मलिक हु वाज सिलेक्टेड द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट स्टेट नॉर्मली अटैक्ड एवरी ईयर ऑन काबुल, गजनी एंड कंधार, ठीक है। तो गाजी मलिक जो था ये इसका गवर्नर था नॉर्थ वेस्टर्न साइड का, तो ये हमेशा इसने अफगानिस्तान वाला जो एरिया है काबुल गजनी कंधार तो उसको ये अटैक लगातार करता ही रहा है, एक तरह का टेरर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ही लुक दीज कंट्रीज एंड ऑब्टेन खराज फ्रॉम रेजिडेंस, तो वहाँ पे जो लोग थे उनसे हाउस टैक्स जो था ये वसूल करता था। इट इज सेड दैट इन द मॉस्क ऑफ गजनी द खुतबा इन द नेम ऑफ एम्परर अलाउद्दीन खिलजी वॉज बींग रेड। देन उसके बाद इसकी अगर हम कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करें तो ही फेस सक्सेसफुली ऑल दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बारे में ये भी माना जाता है कि इसने ऑलमोस्ट सारी फाइट्स जो हुई हैं वो जीती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी इसके बारे में बोलते हैं कि नो किंग ऑन दिस अर्थ शेड मोर इनोसेंट ब्लड देन हिम, ही वॉज मोर क्रूअल देन फ्रोज। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम जो था दैट वाज अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी सैट ऑन थ्रोन इन 1396 AD। ही वांटेड टू बिकम द लॉर्ड ऑफ होल ऑफ इंडिया बिकॉज ही वाज अ वेरी डिमांडिंग किंग। ही हैड टू फाइट विद मंगोल अटैकर्स अगेन एंड अगेन। ही वन वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डिफीटेड द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सक्सेसफुल रहा था साउथ इंडिया में भी अटैक करके, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे और इसकी जो कॉन्क्वेस्ट है या इसकी जो सक्सेस है वो हम दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड डेक्कन कैंपेन यानी कि साउदर्न इंडिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एरिया मतलब इसने जो था वो कवर कर रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा ही मतलब नॉर्थ और साउथ जो था ये यहाँ से ये डेली, पहले इसने जो था वो यहाँ पे अटैक किया गुजरात पे, ठीक है, देवगिरी में, यहाँ पे जो किंग था वो सॉरी देवगिरी बोल रही हूँ, यहाँ पे गिरनर में, और यहाँ पे जो किंग था गुजरात में ये देवगिरी में चला गया था भाग के, फिर उसका पीछा करते हुए यहाँ आया, यहाँ से फिर इसने एक इसका जो जनरल था नसारत खान उसने एक मलिक काफूर जो कि एक यूनिक था उसको मतलब 1000 दिनार दे के खरीदा, और ये बहुत ही एफिशिएंट यूनिक था। इवन अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद इसने उसी के बेटों को अपना एक पप्पेट रूलर बनाने की भी कोशिश की, ठीक है, लेकिन बाद में इसके एक बेटे ने इसको मरवा दिया था। तो मलिक काफूर ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। अगर हम बात करें जितने भी ये साउथ के एरियाज हैं बाद में अलाउद्दीन खिलजी तो चला गया था, लेकिन जितने भी ये एरियाज थे ये सारे मलिक काफूर ने ही उसको कैप्चर करके दिए थे। और इवन उसके बाद होयसल्स, फिर मदुरा वाला एरिया सारा, ठीक है, चोलास की जो कैपिटल थी, देन उसके बाद काकातियास जो थे ये तेलंगाना वाला एरिया है वहाँ पे भी इसने जो था किंग था प्रताप रुद्र देव, ठीक है, उसको हराया। देन उसके बाद यहाँ से इसने जो था कोहिनूर का हीरा लिया था, और कोहिनूर का हीरा लेके इसने अलाउद्दीन खिलजी को वापस यहाँ से दिया था, मतलब जाते टाइम ये वाला रूट जो था वो फॉलो किया गया था, ठीक है। तो ऐसे चलते इसने साउथ का भी सारा ही एरिया ऑलमोस्ट जो था वो कॉन्कर कर लिया था। देन उसके बाद पढ़ते हैं नॉर्दर्न इंडिया की बात। तो सबसे पहले जो था कॉन्केस्ट ऑफ गुजरात, अलाउद्दीन सेंट हिज आर्मी फॉर द कॉन्केस्ट ऑफ गुजरात अंडर द लीडरशिप ऑफ उलग खान एंड नुसरत खान, एट दैट टाइम किंग रायकरण, ठीक है। तो रायकरण जो था वो गुजरात में रूल कर रहा था, बट वो इतना ज़्यादा अपोज इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और वो मतलब अपोज नहीं कर सका मुस्लिम आर्मी को। तो जब उसको पता चला कि मतलब मुस्लिम आर्मी मेरी तरफ आ रही है तो वो देवगिरी भाग गया था, ठीक है। तो उसकी डॉटर भी थी देवाल देवी, तो वो उसको लेके वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी जो डॉटर जो उसकी वाइफ थी कमला देवी वो वहीं रह गई थी गुजरात में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपनी हरम में ले लिया था, ठीक है, उसके साथ निकाह कर लिया था। और ये माना जाता है ये बंदा बड़ा ही लस्ती था, इसने अराउंड मतलब 70-80 हज़ार औरतों को ऐसे ही अपने हरम में रखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा मतलब लस्टफुल बंदा था ये कहा जाता है इसके बारे में। तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे भी ये अटैक करेगा, वहाँ पे भी किसी की वाइफ हो जाएगी या डॉटर हो जाएगी उसको ये उठा के ले जाएगा अपनी हरम में, ठीक है। उसके बाद ये जब वहाँ पे देवगिरी में अटैक करेगा वहाँ पे भी वो जो किंग होगा उसकी ये बेटी थी यात्रापाली उसको भी ये ले गया था, ठीक है, उसके साथ शादी कर ली थी इसने। तो कमला देवी जो थी वो इसके हाथ लग गई, इसको ले गया यहाँ से।
देन उसके बाद जितनी भी वहाँ से वेल्थ वेल्थ जो भी इनको मिली वो या वहाँ से लूट पाट ली इन्होंने। एंड देन उसके बाद जब ये यहाँ पे जो नसारत खान था, इसका जो जनरल था, ये यहाँ पे लूट पाट कर रहे थे, तब इनको जो मलिक काफूर जो था वो मिला था, और 1000 दिनार में जो था इसको खरीद लिया गया था। ठीक है, और मलिक काफूर ने बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि हेल्प की थी इनकी। देन उसके बाद रणथंबोर, रणथंबोर में राणा हमीर जो थे वो किंग थे। ठीक है, एंड 1299 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसारत खान और उल खान को अगेन वहाँ पे भेजा, और हमीर फोर्ट, राजा जो हमीर थे वो काफ़ी अच्छे से लड़े, लेकिन फिर भी वो इनके सामने जो थे वो टिक नहीं पाए। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद यहाँ पे आया था, और 11 महीने तक ये मतलब लड़ाई जो थी वो चलती रही थी, लेकिन एट दी एंड फिर जो राणा हमीर थे, एज यूजुअल एक गद्दार बंदा था रणमल, जिसने कि मुसलमानों की मतलब इनकी जो अलाउद्दीन खिलजी की साइड वो चला गया था, और जितने भी सीक्रेट्स थे राणा हमीर के वो इनको डिस्क्लोज कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जो राणा हमीर थे, ठीक है, उनको हार फेस करनी पड़ी थी। लेकिन एट दी एंड अलाउद्दीन खिलजी ने फिर जो रणमल था उसको भी मार दिया था। इसने बोला कि तू अपने मतलब जो तो जिसने तुम्हें खिलाया पिलाया उसका नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि इसको भी मार ही देना चाहिए, तो इसने मार दिया था। देन उसके बाद कॉन्केस्ट ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की एक तो रीज़न ये है, बताया जाता है हिस्टोरियंस की तरफ से, कि एक तो इसने सुना था कि जो रतन सिंह है किंग वहाँ का, मेवाड़ का, तो उसकी वाइफ की ब्यूटी के बारे में इसने बहुत सुना था, पद्मावती, तो ये एक रीज़न था। और एक जो मेन रीज़न बताया जाता है कि जब इसने गुजरात के ऊपर अटैक करना था तो ये मेवाड़ से होके जाना चाहता था। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे जो रतन सिंह था वो इसको अलाउ नहीं कर रहा था जाने के लिए, तो ये भी एक रीज़न बना था। तो उसके बाद जब इसने इसको कैप्चर कर लिया था रतन सिंह को धोखे से, ठीक है, तो फिर उसने बाद में बोला, पद्मावती को मैसेज भेजा कि हाँ भाई तुम मेरी हरम में आ जाओ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आपको पता ही है। उसके बाद 700 राजपूत के साथ वो उसने एंट्री ली, और फिर उसके बाद जो था वो चोरी से रतन सिंह को जो था वो वहाँ से छुड़वा लिया गया था। देन उसके मतलब चोरी से नहीं, धोखे से कह लो, ठीक है। तो उसके बाद इसी के चलते, इसी एंगर में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था मेवाड़ पे, जहाँ पे फिर उसके बाद ये जौहर जो था परफॉर्म किया गया था पद्मावती और दूसरी जो लड़कियां थी उनकी तरफ से, और इसका जिक्र जो है वो खजाने फुतू में अमीर खुसरो ने अपनी बुक जो है खजाने फुतू उसमें भी जिक्र किया है जौहर का। ठीक है, तो ये मैंने शायद लिखा नहीं है यहाँ पे, आपको याद रखना है। देन उसके बाद चित्तौड़गढ़ जो था इसको डिफीट करके इसका नाम जो था खिजराबाद रख दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। इसका जो बेटा था खिजर खान था उसका नाम, तो उसके नाम के ऊपर ये सिटी का नाम जो था इसने रख दिया। तो ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक्ड साउथ। देन उसके बाद मालवा जो एमपी वाला एरिया है बेसिकली ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ की जो वहाँ पे इतने इसने जितनी भी जगहें थी उनको कॉन्कर किया। इन 1305 अलाउद्दीन सेंट द गवर्नर ऑफ मुल्तान उतायन उल मलिक टू अटैक ऑन मालवा। दैट टाइम महलक वॉज द राजपूत किंग ऑफ मालवा। वेन ही केम टू नो अबाउट द अटैक ऑफ मुस्लिम, देन ही प्रिपेयर टू अपोज द एनिमी, बट वो हार गया। तो यहाँ पे उसने उज्जैन, धार, चंदेरी, जितने भी मतलब एमपी में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सबको कैप्चर किया। देन उसके बाद साउदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन पहला मुस्लिम एम्परर रहा है जिसने अपनी इंटेंशन जो है वो साउथ की तरफ डाइवर्ट की। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है, जो मैं आपको मैप में समझा ही चुकी हूँ सारा, मतलब होयसल्स वाला पार्ट, फिर ककातिया किंगडम्स वाला पार्ट, सारा ही इसने ऑलमोस्ट विन किया। ठीक है, देन उसके बाद देर वॉज ऑल्सो अनदर रीजन दैट साउथ वॉज वेरी फार फ्रॉम द कैपिटल एंड देयर। हाँ, पहला तो ये था कि जितने भी पहले एम्परर आए थे उन्होंने नॉर्थ, वो नॉर्थ में ही अपना फोकस उन्होंने रखा, बिकॉज एक तो मंगोल्स के अटैक बार बार हो रहे थे, एंड मोर ओवर उनका उनको साउथ की ज्योग्राफी से भी इतनी वो अवेयर नहीं थे। ठीक है, बिकॉज अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्दर्न में ज़्यादातर प्लेन वाला एरिया है, एंड मोर ओवर उनको एक्सपीरियंस भी प्लेन्स में लड़ने का था। ठीक है, माउंटेन्स में कैसे लड़ते हैं, जो उबड़ खबड़ वो जमीन होती है जो साउथ में है जैसे, तो वहाँ का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने विद द हेल्प ऑफ मलिक काफूर इसने साउथ को विन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे देवगिरी, तेलुगिरी, दबंगर, होयसल्स एंड पांडे, मतलब ये सारे जगह जो थी वो इसने, स्टेट्स जो थी वो एक्वायर की।
सबसे पहले अगर हम बात करें देवगिरी की, यहाँ पे इसने 3 बार अटैक किया और इसका फर्स्ट अटैक जो था 1367 में, विच वॉज रूल्ड बाय रामचंद्र देव जो कि एक यादव रूलर था, और इसने बेसिकली जब गुजरात पे इसने अटैक किया था तो वहाँ का जो किंग था रायकरण, जिसकी वाइफ कमला देवी को जो अपनी हरम में ले गया था, तो वहाँ का किंग जो रायकरण जब भागा था तो ये देवगिरी में चला गया था। तो देवगिरी का जो किंग था रामचंद्र देव, इसने किंग रायकरण को अपनी इसमें शरण दी थी, ठीक है। तो इसके चलते इसके ऊपर अटैक हुआ, तो रामचंद्र डॉटर जो थी जात्रपाली, जब ये हार गया था रामचंद्र, तो यात्रपाली को इसने उसके साथ शादी कर दी थी, तो इसी की वजह से इसको जो था वो रिस्पेक्ट भी दी गई और इसको राय रेयान का टाइटल भी दिया गया था किंग रामचंद्र देव को। एंड देवगिरी, उसके बाद जो देवगिरी थी इसको एक तरह का तुर्किश बेस बना लिया गया था, मतलब उसके बाद जितने भी साउथ पे अटैक हुए हैं, जैसे ककातियाज वगैरह पे भी अटैक हुए हैं, वैसल्स पे अटैक हुए हैं, ठीक है, यादव पे अटैक हुए, तो वो सारा सारों के ऊपर अटैक करने के लिए इनको एक बेस की ज़रूरत थी, तो वो बेस इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था देवगिरी में, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्केस्ट ऑफ वरंगल, तो ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली ही चूज डिफरेंट रूट, यहाँ पे मलिक कफूर की बात हो रही है, तो मलिक कफूर ने फिर वरंगल के ऊपर अटैक किया, तेलंगाना वाली जो जगह है, तो किंग प्रताप रुद्र देव गेव हिम कॉम्पिटिशन बट फाइनली ही लॉस्ट, ही डिफीटेड प्रताप रुद्र देव ऑफ काकतीय किंगडम, ठीक है, एंड फ्रॉम हिम कफूर एक्वायर्ड कोहिनूर एंड गेव इट टू खिलजी। देन उसके बाद द्वार समुद्र की बात करें, तो द्वार समुद्र में जो बेसिकली ये हॉयसल्स वाला एरिया जो था 1310 AD में, मलिक काफूर जो था ये वहाँ पे चल पड़ा और इसने वहाँ का जो किंग था वीर बल्लभ थर्ड ऑफ हॉयसल इसको हराया था, ठीक है। और इसकी चलते जब ये हार गया तो इसने काफ़ी धन दौलत भी जो थी वो मलिक काफूर को दी थी। मुस्लिम्स ने यहाँ पे आते आते सारे जितने भी टेम्पल्स थे हिंदुओं के, ठीक है, वो सारे डिस्ट्रॉय किए, और इसका एक मेन रीज़न कई हिस्टोरियंस तो बोलते हैं कि वो अपना इस्लाम प्रोपेगेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टेम्पल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय किए, बट काफ़ी हिस्टोरियंस का मानना ये है कि इस्लाम की प्रोपेगेशन उनका एक रीज़न नहीं था, बिकॉज़ अगर उनकी रीज़न ये होता कि वो इस्लाम को प्रोपेगेट करना चाहते तो वो सिर्फ और सिर्फ मूर्तियों को ही वहाँ से उठाते या मूर्तियों को तोड़ते, लेकिन उन्होंने जो भी जितना भी धन था वो वहाँ से लूटा, तो मेनली इनका जो मेन रीज़न था वो वहां पे लूटपाट करना ही था, ठीक है। और वहां पे जितने भी टेम्पल थे उनकी जगह पे इन्होंने अपनी जो थी वो मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवा दी। देन उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मदुरा, तो मदुरा में भी बेसिकली मलुक काफूर ने जो था वहां पे जो मदुरा मदुरा पांडे था उसके अगेंस्ट जो था वो अटैक किया आफ्टर विनिंग द स्टेट ऑफ होयसल, और यहाँ पे बेसिकली जो था पहले से ही सिविल वॉर चल रही थी दो भाइयों के बीच में, सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच में, और मलिक काफूर जो था उसने सुंदर पांडे की तरफ साइड ले ली और उसने वीर पांडे को हराया, तो इस चीज़ का फायदा बेसिकली मुस्लिम्स को मिला। देन उसके बाद जो मदुरा था उसको पूरा लूटपाट करके मार खार करके सो जो था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और मॉस्क जो थी वो वहाँ पे बना दी गई थी, ठीक है। देन उसके बाद मलिक काफूर जो था काफ़ी धन दौलत इकट्ठा करके वापस दिल्ली चला गया। देन अलाउद्दीन डेक्कन पॉलिसी के बारे में बात करें, तो बेसिकली अलाउद्दीन की डेक्कन पॉलिसी के बारे में यही बोला जाता है कि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ साउथ की स्टेट्स को अनेक्स करना ही इसका एक मेन रीज़न नहीं था या मेन एम नहीं था। द स्टेट्स ऑफ देवगिरी वरंगल द्वर समुद्र एंड मदुरा वर कॉन्कर्ड बट दे वर नॉट डम्प्ड इनटू एम्पायर, ठीक है, उनको अनेक्स नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू आमिर खुसरो द मेन एम ऑफ अलाउद्दीन साउथ अटैक वॉज रिलीजियस, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है कि इसका मेन रीज़न जो था वो रिलीजियस था, बट जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कुछ और हिस्टोरियन जैसे डॉक्टर एंकर और के एस लाल कहते हैं कि रिलीजियस पैशन जो था वो उसकी डेक्कन पॉलिसी को नहीं दर्शाता था। अगर मलिक काफूर ने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए हैं साउथ में, तो उसका जो मेन एम था वो मतलब वहाँ पे जो मूर्ति पूजा होती थी उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं था, ठीक है, और वहाँ पे उसका जो मेन रीज़न था वो था वहाँ पे वहाँ जो टेम्पल्स में इतनी सारी वेल्थ होती थी, सोना होता था, वो इकट्ठा करना, ठीक है। और अगर साउथ में कुछ इन्होंने मॉस्क वगैरह कंस्ट्रक्ट भी की हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो इस्लाम को प्रोपेगेट करना चाहते थे, उसका मतलब ये था कि यहाँ पे उन्होंने विन हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है, इसकी वजह से वो वहाँ पे एज कह लो कि साइन अपना वहाँ पे छोड़ना चाहते थे, इसके चलते उन्होंने वहाँ पे मॉस्क जो है वो क्रिएट किया। तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, ठीक है। तो मेन एम इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का रहा है वो वहाँ पे यही रहा है कि वहाँ पे जो भी ज्वेलरी गोल्ड वगैरह जो थी वो लूटपाट करनी उसकी। देन उसके बाद इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है।
सबसे पहले तो जैसे कि एक बंदे ने वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी की चढ़ाई हो जाती है जब सक्सेस जिसको मिल जाती है उसका दिमाग भी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे इसका भी थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ, तो इसने अपने आप को मतलब सबसे पहले बात तो खलीफा, ठीक है, जिसको कि सारे लोग सारे इस्लामिक लोग गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट्स देते हैं, ठीक है, तो खलीफा ने इसको गिफ्ट भेजा। जब खलीफा ने इसको गिफ्ट भेजा तो ये तो मतलब अपने आप को खलीफा से भी ऊपर समझने लग गया और इसने अपने आप को टाइटल दिया यामिन उल खिलाफत, यानी कि फ्रेंड ऑफ खलीफा। देन उसके बाद इसने कॉइन्स के ऊपर सिकंदरे सैनी जो था वो इंस्क्राइब करवाया, क्योंकि ये जो था ये अलेक्जेंडर, जैसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट, ठीक है, उसने सारे यूरोप के ऊपर अपना शासन एक तरह से कायम किया, तो ये भी चाहता था मैं सारे वर्ल्ड को कॉन्कर करूँ उसी उसी की तरह, अलेक्जेंडर की तरह। तो इसके जो वही फ्रेंड था काजी अल्लाह उल मुल्क जो इसको एडवाइस देता था, उसके चलते इसने ऐसा नहीं किया, बट इसने सिकंदरे सैनी का टाइटल जो था वो ज़रूर इंस्क्राइब करवाया। देन ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन, भी फ्लॉट करना चाहता था। देन उसके बाद ही इस्टेब्लिश परमानेंट आर्मी सिस्टम एंड स्टार्टेड पेइंग कैश सैलरीज टू हिज सोल्जर्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे कैश सैलरीज जो था वो अपने सोल्जर्स को देता था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते इसने बाद में चेहरा सिस्टम जो था वो शुरू किया था, ठीक है, दाग एंड चेहरा सिस्टम, ठीक है, जिसको बाद में शेरशाह सूरी ने भी फॉलो किया। तो चेहरा सिस्टम में बेसिकली होता था कि चेहरा बना दिया जाता था पेज के ऊपर ना, मतलब पेंट कर दिया था, पेंटिंग की जाती थी, पेंसिल पेंटिंग टाइप ऑफ, कि जिसको सैलरी मिल जाती थी उसकी टिक मार्क कर दी जाती थी उसका फेस जो था, ताकि कोई किसी तरह की करप्शन ना हो सके या कोई दोबारा से कोई सैलरी ना क्लेम कर सके। ऐसे इसने दाग सिस्टम भी अपॉइंट किया था, बिकॉज जो अरबी घोड़े होते थे वो बहुत ही स्लिम ट्रिम घोड़े होते थे, बहुत ही स्विफ्ट स्पीड से चलते थे, बहुत ही तेज स्पीड से चलते थे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कम, सिर्फ एक गुजरात में आई थिंक ऐसे घोड़े मिलते हैं, ठीक है। तो वो घोड़े जो थे वो उनका ट्रेड जो है वो उनका गलत तरीके से कोई ट्रेड ना हो बाजार में, तो उसके चलते उसके ऊपर जो था वो एक तरह से गर्म सील लगाई जाती थी जिसको दाग बोला जाता था, ठीक है। तो दाग एंड चेहरा सिस्टम जो था अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। देन उसके बाद इसने मैक्सिमम टैक्सेस बीसी के टाइम में इसने कलेक्ट किए हैं, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि 50% ऑफ द प्रोड्यूस इसने टैक्स कलेक्ट किए हैं, और ही क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू, दैट इज दीवाने मुस्तखराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही कन्वर्टेड ऑल द इक्ता लैंड इंटू खलीसा लैंड। इक्ता लैंड आपको पता ही, इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है, तो ये इसने वो सारी जो भी रॉयल लैंड थी उसको खलीसा लैंड में चेंज कर दिया, यानी कि लैंड ऑफ किंगडम। हिज मोटिव वॉज टू इंक्रीज लैंड ऑफ स्टेट विच वॉज डायरेक्टली मैनेज्ड बाय सुल्तान थ्रू हिज ऑफिशियल्स। देन उसके बाद ही रिवर्स द शरीयत रूल। शरीयत रूल ऑफ पहले क्या होता था कि जो मतलब लूटी जो फंड लूटा जाता था, ठीक है, वो उसमें क्या होता था कि 80% जो था वो लोग रखते थे अपने पास जो लूट के आते थे, जो डकैत्स या रॉबर्स होते थे, और 20% जो था वो किंगडम को दिया जाता था। लेकिन अब इसने कर दिया कि 80% जो होगा वो किंगडम की तरफ जाएगा और जो 20% होगा वो डेकॉइट्स को मिलेगा। देन उसके बाद इसने वाइन वगैरह को भी जो सेल एंड परचेज होती थी उसकी, उसको भी स्टॉप कर दिया कि इसकी, और इसने ये भी बोला कि कोई भी किंग की वजह से मतलब किंग की परमिशन के खिलाफ कोई भी पार्टीज भी नहीं होंगी। देन उसके बाद एक सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने वजारत इसने इस्टेब्लिश किया विच डील्स इन मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस। देन उसके बाद दूसरे और डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने अर्ज डिफेंस, दीवाने इंशा, ठीक है, दीवाने अर्ज यानी कि डिफेंस का डिपार्टमेंट, दीवाने अंश सॉरी दीवाने इंशा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल ऑर्डिनेंसेस, देन दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत मतलब फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड ही ऑल्सो मेड अ वेरी एफिशिएंट ब्रीड सिस्टम। ब्रीड सिस्टम मतलब स्पाई सिस्टम, इसका स्पाई सिस्टम कहते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग था और इसने इतना टेरर क्रिएट कर दिया था कि मतलब जो ये स्पाई अपॉइंट करता था वो पता ही नहीं होता था कि जैसे 5 जने बैठे तो उसमें से कौन सा जासूस होगा जो जाके किंग को सारी बातें बताएगा कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं या किंगडम के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो लोग जो है किंग के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे, ठीक है। देन उसके बाद उसने जो मार्केट के सुपरिटेंडेंट होते थे शहनाई मंडी, ठीक है, तो उनको भी अपॉइंट किया ताकि कोई भी जो मतलब सेल्समैन है वो कोई किसी तरह का घपला ना कर सके। देन उसके बाद डिफरेंट टैक्सेस जो इसके टाइम पे थे, दैट वाज खराज, खराज था लैंड रेवेन्यू, दैट वाज 1/3 टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, 33% से लेके 50% तक था। चराई मतलब चरना होता ना, पैस्चर, पैस्चर टैक्स, घरी घरी मतलब हाउस टैक्स,
जजिया, मतलब जो कि नॉन मुस्लिम्स पे करते थे इसके टाइम पे, एक्सेप्ट ब्राह्मण वुमेन एंड चिल्ड्रन को छोड़ के। लेकिन शेरशाह सूरी जब आएगा तब ये सबको ही सबके ऊपर इम्पोज करेगा जजिया। देन उसके बाद खम्स, खम्स जो थी वो होती थी वार बूटी, वही 80%, 20%। देन ही स्टार्टेड दाग एंड चेहरा सिस्टम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देन उसके बाद कैश सैलरीज इसने स्टार्ट कर दी थी सोल्जर्स को पे करनी, एंड ही बिगैन इकोनॉमिक रिफॉर्म एज ही फिक्स द प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स सोल्ड इन दिल्ली मार्केट। ठीक है, तो जितने भी गुड्स जो बेचे जाते थे दिल्ली मार्केट में सबका प्राइस फिक्स कर दिया गया था, और इसको बोला जाता है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दीज रिफॉर्म्स आर मैंशन बाई जियाउद्दीन बरनी इन हिज बुक तारीख फिरोज शाही, एंड बाई अमीर खुसरो इन हिज बुक खजाने फुतहू, एंड बाई इबन बतूता इन हिज बुक रिहाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक वीडियो मैं आपको दूंगी जो जितनी भी मेडिवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स है उसमें सारी बुक मैं मैंशन करके आपको वीडियो दूंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरनी तीन तरह की मार्केट थी। सबसे पहले मंडी, मंडी जो थी ये ग्रेन मार्केट थी। सराई अदल, सराई अदल जो थी वो डिफरेंट जैसे क्लोथ्स वगैरह जहाँ पे हम लेते हैं या दूसरे हाउस होल्ड का सामान लेते हैं उसकी मार्केट थी। एंड तीसरी होती थी जनरल मार्केट, जनरल मार्केट वो होती थी जहाँ पे स्लेव्स या एनिमल्स बेचे और खरीदे जाते थे। ठीक है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरनी द परमानेंट फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस वॉज वंडर ऑफ दैट एज। ठीक है, तो बरनी कहते हैं कि ये जो इसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी उस टाइम की वंडर था ये एक तरह का। When the traders complained of low margins or profits, he abolished the duties on the goods. The land revenue was one third to half, but in spite of high tax system, मतलब इतना ज़्यादा high tax system था, तब भी कोई किसी तरह का अकाल नहीं पड़ा था तब। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि इसने कुछ मतलब गवर्नमेंट स्टोर्स जो थे वो क्रिएट कर रखे थे। ठीक है, और कोई भी बंदे को अलाउ नहीं था कि वो 10 मंथ से ज़्यादा जो है वो अपने पास रख सके। ठीक है, तो इसके वजह से कभी भी इसके टाइम में किसी तरह का फेमीन नहीं हुआ। देन ही कम्प्लीटली बैंड गैम्बलिंग, लीकर्स एंड नार्कोटिक्स। ही बिलीव दैट सुल्तान वॉज अबव ऑल, विल ऑफ सुल्तान इज लॉ एंड ऑल पावर्स ऑफ स्टेट एमिनेट फ्रॉम हिम। ही ऑल्सो बैंड पोलिटिकल मैरिजेस टू अवॉइड कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट सुल्तान। Without his permissions, no marriage could take place. ठीक है, देन उसके बाद जमींदार्स वर कॉल्ड खुत एंड विलेज हेड जो थे उनको बोला जाता था मुकदम, खुत मुकदम। ठीक है, आजकल भी ये नाम जो है काफ़ी प्रेविलेंट है कई जगह पे। देन लोकल लैंड रेवेन्यू जो थे ऑफिशियल्स उनको बोला जाता था आमील, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी। अमीर हसन दहलवी जो है इसको सादी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये सादी जो था ये एक पर्शिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलिए रिनाउंड पोइट थे ये। तो अमीर हसन दहलवी जो थे ये इंडिया के बहुत फेमस पोइट रहे हैं, इनको सादी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इसके साथ निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, काजी अल्लाउल मुल्क, ये सारे जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्प्रेरीज रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद हिज आर्मी चीफ जाफर खान, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, बिकेम अ टेरर फॉर मंगोल्स, इवन हिज सन वॉज जेलस ऑफ जाफर खान बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल। देन उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के, कि सबसे पहला तो जो इसका मेन प्राइम मिनिस्टर होता था उसको वजीर बोला जाता था, जिसको डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज दी जाती थी। और वजीर जो था इसके ये मिलिट्री और सिविल हेड मतलब दोनों का ही था। ठीक है, जुडिशियल जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी वो भी देखता था, सिविल जो काम होते थे वो भी देखता था। ठीक है, आगे जाके जब अकबर का टाइम आएगा तब जाके ये जो वजीर की पोस्ट थी ये दो हिस्सों में डिसइंटेग्रेट की गई थी। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो वजीर था बेसिकली इसके पास ये सिविल और जुडिशियल सारा ही मतलब काम था। और ये ही वॉज द ऑफिसर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स इन डिफरेंट स्टेट्स फॉर कलेक्शन ऑफ स्टेट टैक्स एंड सबमिटेड इन रॉयल ट्रेजरी। द वजीर वॉज कमांडर ऑफ इंपीरियल आर्मीज एंड वेयर एवर ही गॉट द परमिशन फ्रॉम द एम्परर देन ही टुक द कैंपेन फॉर अटैक। सिटिंग ऑन थ्रोन अलाउद्दीन अपॉइंटेड हिज मिनिस्टर ख्वाजा खलील। ठीक है, तो सबसे पहले जो था इसने ये ख्वाजा खलील को अपॉइंट किया था वजीर अपना, उसके बाद नसारत खान को अपॉइंट किया गया। देन उसके बाद काजी उल्कजात जो था ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस सेक्टर था। और सबसे पहला जो इसका काजी उल्कजात जो मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था दैट वाज सदरुद्दीन काजी ए मामले। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर, इतना डीप में नहीं। मीर अर्ज जो था ही वॉज ऑनर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब लोग जो भी एप्लीकेशन भेजते थे एम्परर को वो मीर अर्ज के द्वारा ही भेजते थे। देन उसके बाद दिबारे
अशरफ, दिबारे अशरफ जो था ये अकाउंटेंट जनरल होता था जो बुक कीपिंग का काम करता था, और ये सारा काम जो था ये वजीर के अंडर होता था। देन उसके बाद मुस्तौफी, मुस्तौफी अगेन अगेन एक अकाउंटेंट जनरल ही होता था, ये भी वजीर के अंडर ही काम करता था। देन उसके बाद अरज़ ममालिक जो था ही वॉज अ एग्जीक्यूटिव ऑफ आर्मी एंड वॉर, ही हेल्प्ड किंग इन कलेक्शन ऑफ अटैक स्ट्रेटजीज एंड एडमिशन ऑफ सोल्जर्स इन दी आर्मी। ठीक है, बेसिकली आर्मी में असिस्ट करता था किंग को। देन बख्शे फौज जो था ही हैंडल दी वर्क ऑफ गिविंग सैलरी टू दी आर्मी। देन अमीर कोही, ही वॉज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। देन शहनाई मंडी एंड दीवाने रियासत, दे हैंडल्ड वर्क ऑफ मार्केट। देन कोतवाल जो था वो पुलिस ऑफिसर था। देन उसके बाद इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो दीज आर दी मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अकेला ही एक रूलर रहा है इन द होल एरा ऑफ मिडल सेंचुरी हिस्ट्री, हु हैड डन इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो बर्नी ने इसको हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट भी बोला है। देन उसके बाद इसने क्या क्या किया कि सबसे पहले कंट्रोल ऑन प्राइसेस, वही चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सारी चीज़ों के प्राइसेस जो थे वो डेली बेसिस पे फिक्स होते थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो वीट है वो 7.5 जित्तल पर मण होगी, ठीक है, बार्ले जो है वो 4 जित्तल पर मण होगी, ग्राम जो है वो 5 जित्तल पर मण होगी। तो ऐसे करके शॉपकीपर्स जो थे वो ये फिक्स प्राइस पे जो थे वो सेल करते थे, ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा वो प्राइस जो थे वो करते थे लेते थे तो उसके लिए उनको काफ़ी हार्ड पनिशमेंट फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, देन उसके बाद कंट्रोल ऑन सप्लाई। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अगर मैं प्राइसेस फिक्स कर रहा हूँ तो ये तब तक एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी जब तक कि सप्लाई जो है वो नेसेसरी जो सप्लाई आ रही है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब सप्लाई जो आनी पीछे से वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके चलते उसने बोला कि कोई भी बंदा जो है फालतू की चीज़ अपने पास इकट्ठी करके नहीं रखेगा। ठीक है, और उसने बोल दिया कि कोई भी बंदा जो है वो 10 मण ग्रेन जो होते हैं, अनाज जो होता है, 10 मण से ज़्यादा पोजेस करके नहीं रखेगा, और जो मतलब उसके पास अगर अनाज है भी, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ है भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स्ड प्राइस जो रेट लिस्ट लगाया गया है उसके ऊपर ही वो सेल कर सकता है। ठीक है, और इसके चलते वो क्या करता था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे वो फार्मर्स को बोलते थे कि आप 50% जो है फर्टिलिटी रूल टैक्स जो है जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता था, मतलब वो इम्पोज करके फार्मर्स वही 50% ऑफ द प्रोड्यूस वो टैक्स लेता था वहां से। ठीक है, और फिक्स्ड प्राइस पे ही जो बिजनेसमैन होते थे उनको ग्रेन्स जो थे वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे वो बेचते थे आगे। ठीक है, मतलब वो सुपरवाइज करते थे। ठीक है, देन उसके बाद जो प्रॉब्लम अगर आती सप्लाई में, वो तभी आती ना कि अगर मान लो कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है और कुछ फ्लड्स आ गए हैं, ड्रॉट आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि इसने पहले से स्टोरेज गोदामों का जो सारा मतलब क्या उसे कहते हैं सेटलमेंट कर रखी थी। ठीक है, सारे सेटअप कर रखे थे गोदाम वगैरह ताकि कल को अगर अकाल पड़ता है तो उसमें किसी को भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। देन उसके बाद इसके साथ साथ इसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी फोकस रखा कि चीज़ें अगर ग्रेन्स हैं या गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो कैसे जानी है। ठीक है, तो सप्लाई के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी पूरा ध्यान रखा। देन राशनिंग सिस्टम का पूरा ध्यान रखा। राशनिंग सिस्टम में क्या था कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फरमाइन वगैरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो राशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ इसने बोला कि 10 मण से ऊपर जो है वो कोई बंदा अपने पास कलेक्ट करके नहीं रखेगा। ठीक है, और जो भी बंदा गवर्नमेंट स्टोर से जो ग्रेन के जो गोदाम है वहां से अगर कोई बंदा जो है वो ग्रेन लेता है तो हाफ मण से ज्यादा, आधे मण से ज्यादा वो सेल नहीं कर सकता वहां से। ठीक है, देन उसके बाद एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में मतलब इसने बोला कि इसमें लिखा गया है कि इसने मतलब बेसिकली दो तरह के ऑफिसर्स को अपॉइंट करके रखा था मार्केट को देखने के लिए, एक शहनाई मंडी और दूसरा दीवाने रियासत। तो बेसिकली जो शहनाई मंडी होती थी जिसका एक इंस्पेक्टर मलिक कबूल भी था इसके टाइम पे, ठीक है, और जो दीवाने रियासत होता था वो बेसिकली देखता था जो क्लोथ और अदर हाउस होल्ड की मार्केट, ग्रेन मार्केट को शहनाई मंडी देखता था और दीवाने रियासत को जो अदर हाउस होल्ड वाली जो होती थी, ठीक है, मार्केट उसको देखता था। और अगर और उसके बाद जो एम्परर जो किंग था अलाउद्दीन खिलजी था ये क्या करता था कि अपने गुलामों को बेचता था, ठीक है, चीज़ों को खरीदने के लिए जैसे ब्रेड वगैरह, स्वीट्स वगैरह, ठीक है, सब्जियां वगैरह,
और जब वो वापस करते थे, जो चीजें एक्स्ट्रा हो जाती थी उनको वापस करते थे, तो पूरा उनको वे किया जाता था, ठीक है। और अगर उसमें कुछ भी कमी होती, मान लो अगर वो उसने भेजा है किसी को और वे करके और वो वेट जो है वो कम निकल आया, तो उसमें क्या होता था, जो बंदा देने गया है उसका उतना हिस्सा जो बॉडी का जो फ्लैश है वो काट लिया जाता था, ठीक है। तो ये एक तरह का प्यूनिटिव इसका जरिया था हर एक बंदे को एक रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन एंड ड्रास्टिक पनिशमेंट, इसमें वही सारी चीज लिखी हुई है। देन उसके बाद इसके बारे में बोला जाता है कि इल्तुतमिश जो था वो मतलब उसने एक तरह का डिक्टेटरशिप का रूल जो था उसका एक ड्रीम लिया था, और रजिया सुल्ताना उस ड्रीम को फुलफिल कर सकती थी, लेकिन बिकॉज शी वॉज अ वूमेन तो वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाई। और बलबन ने इस चीज़ को मतलब काफ़ी टॉप तक वो ले गया था लेकिन अचीव नहीं कर पाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने टोटली उस चीज़ को जो था वो अचीव किया था, ठीक है। देन अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, दैट इज सीरी सिटी, एंड ही मेड हौजे खास, अलाई दरवाजा, मार्शल कॉल्ड इट डायमंड ऑफ, ठीक है, मार्शल ने इसको डायमंड ऑफ इस्लामिक आर्ट बोला है अलाई दरवाजे को। देन उसके बाद इसने कंस्ट्रक्ट कराया है महल हजार एंड जैमत खाना मौज। देन आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, ठीक है, अब यहाँ पे मलिक काफूर जो यूनिक था वो चाहता था कि मैं मतलब सुल्तान बनूं, इसके चलते उसने जो मतलब सुल्तान का जो सबसे ही मतलब फोर्थ और यंगर सन था, सबसे छोटा बेटा था शहाबुद्दीन उमर, उसको गद्दी पे बिठा दिया, ठीक है, और उसका मतलब पैटर्न बन गया, रेजेंट बन गया कह लो आप, ठीक है। और उसके बाद इसने जो इसका बेटे थे दूसरे, खिजर खान और शादी खान, उनको भी अंधा कर दिया ताकि ये गद्दी पे ना बैठ सके, उनको जेल में डाल दिया। देन उसके बाद इसने मुबारक शाह खिलजी जो कि थर्ड सन था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे बेसिकली चार बेटे थे और इसमें से थर्ड बेटा जो था वो मुबारक शाह खिलजी था, उसके बाद सोल्जर्स को भेजा कि इसको भी अंधा कराओ ताकि कल को ये भी गद्दी पे ना बैठ सके, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी जो था उसने फिर उन सोल्जर्स को वो बहुत ही अच्छा बुला रहा था, उसने काफ़ी उनको मतलब इन्फ्लुएंस किया अपनी स्पीच से कि आप लोग इसकी बातों में आ रहे हो, ये मतलब अब इसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी का इतना साथ तो दिया लेकिन इसने उसके सारे बेटों को मरवा दिया, और अब मुझे भी एक तरह के मरवा ही देना होता है कि ब्लाइंड करना, तो उसके बाद वो गद्दी पे नहीं बैठेंगे तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो काफ़ी इसने उनको बोला। तो फिर वो क्या किया उन सोल्जर्स ने, वो सोल्जर्स वही हथियार लेके वापस चले गए और बहुत खुश हुए कि हमने मतलब उन्होंने आके मलिक काफूर को बोल दिया कि हमने मार दिया। तो जैसे वो शाबाशी देने लगा तो उन जो वही सोल्जर्स थे उन्होंने मलिक काफूर को मार दिया, ठीक है। तो जैसे ही उसको मलिक काफूर मरा तो मुबारक शाह खिलजी जो था उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब नया सुल्तान हूँ, ठीक है। और उसने अपना बाहर निकलते ही एक स्टेटमेंट दी, आई एम द खलीफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेते होते हैं कई बार एग्जाम में। और इसने टाइटल जो था अडॉप्ट किया खिलाफत उल अल्लाह का, ठीक है, एंड ही वॉज ओनली सुल्तान हु रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ इज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह एंड खलीफा एज ही वॉज नाउ कॉल्ड खलीफतुल्ला, ठीक है। ही अबैंडन द पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड रिलैक्स मैनी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि जो मतलब सदर्न स्टेट्स थी जिनको इसने एक्वायर तो किया था लेकिन वहाँ पे इसने डायरेक्ट रूल नहीं रखा था, इनडायरेक्ट रूल रखा था, बिकॉज इसको पता था अगर मैं डायरेक्ट रूल रखूंगा तो नॉर्दर्न स्टेट्स जो थी वो बिल्कुल अवॉइड होंगी, तो इसने उस चीज़ को भी रिलैक्स कर दिया। देन ही एक्वायर द टाइटल अलवाशिक बिल्ला, यानी कि चीफ ऑफ द रिलीजन। देन उसके बाद आता है खुसरो खान, खुसरो खान जो था ये बेसिकली हिंदू कन्वर्ट सुल्तान था, और इसने टाइटल जो था ये नसीरुद्दीन टाइटल इसने जो था वो अडॉप्ट किया था ये खुसरो खान ने, ये बेसिकली जो था ये गुजरात से था, और इसके ऊपर एलिगेशंस लगाई जाती थी कि ये आइडल वर्शिप करता है और इसने कभी भी सुल्तान के टाइटल से जो था वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, और ये सेनापति पैगंबर के नाम से इसने रूल किया है एक साल जितना भी इसने किया है, एंड ही ऑल्सो यूज टू इंसल्ट कोर्ट नोबल्स, लेकिन ये बड़ा ही वो था मतलब अपने आप में मस्त रहने वाला, और इसके चलते इसके अगेंस्ट काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज हुई और एंड में गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने इसको मारा, लेकिन ये निज़ामुद्दीन औलिया जो था उसको बहुत ही ज़्यादा पैटर्न करता था ये जो सूफी सेंट हुए हैं निज़ामुद्दीन औलिया खुसरो खान जो था, और इसने काफ़ी गिफ्ट भी इसको भेजे थे। देन उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जब आया तो वो इसके अगेंस्ट था, निज़ामुद्दीन औलिया को वो लाइक नहीं करता था, तो उसने इसने बोल दिया इनको कि जितने गिफ्ट तुम्हें मिल रहे हैं वापस कर दो, तो फिर ये सूफी सेंट जो थे इन्होंने बोला कि हम दिल्ली दूरस्त के अभी दिल्ली दूर है, तो ये जब ये वापस आया तो इसके बेटे ने इसको मरवा दिया था जूना खान ने, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म बना के ये गिर गया था ऊपर से, तो फिर उसके बाद गिफ्ट तो क्या ही वापस देने थे। तो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने जैसे इसको मारा
खुसरो खान को, तो उसके बाद इसने तुगलक डायनेस्टी जो थी वो इस्टेब्लिश कर दी थी. ठीक है, तो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फतेह.com. थैंक्स फॉर वॉचिंग.